हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितिन। चलिए गाइस, आज के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन जो है, हम 2017 में MPSI का एग्ज़ाम हुआ था, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अक्रिय गैस होती हैं, तो अक्रिय गैस किन्हें कहा जाता है, ये पूछा गया है। दरअसल एक सिंगल भाषा में अगर आपको जवाब देना हुआ हो तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा केमिकली अनरिएक्टिव, यानी रासायनिक रूप से अक्रियशील। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि इसको इनर्ट गैस और नोबल गैस भी कहा जाता है, यानी अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस भी कहते हैं। और ये जो है वो ग्रुप 18 की होती हैं, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें ग्रुप 18 में जो है ये रहती हैं, जिनमें बात की जाए तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो ये मोस्टली जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, और आपसे पूछ लिया है कि एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, नोबल गैस पाई जाती है, तो आर्गन। ओके, ये आप पूछ लिया जाता है तो याद रखना आर्गन है। वैसे तो अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन 20% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, उसके बाद आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, तो ये थोड़ी थोड़ी कम होती जाती हैं। तो ऊपर की जो चार पाँच हैं वो मोस्टली आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे पहली धातु कौन सी है जो मानव में उपयोग की गई थी, यानी मानव के द्वारा उपयोग की गई थी। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको बहुत ही ये आसान सा क्वेश्चन लगेगा। तो ये दरअसल जो है वो कॉपर, कॉपर धातु की बात की जा रही है। कॉपर धातु जो है वो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी, याद रखना है। और बात की जाए तो कॉपर जो इसका ये जो माना जाता है वो 3500 BC से लेके नहीं 1000 BC के बीच में, तो ये मोस्टली है। और पहली बार जो है इसे करीबन 5000 BC में जो है इसका यूज हुआ था कॉपर धातु का, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको हिस्ट्री का बताता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का जो है वो प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा। तो ये बहुत ही क्वेश्चन पूछ लिया है तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। और यहाँ पर देखिए गोल्डन दिया हुआ है, तो गोल्डन एज की बात की जाए तो गोल्डन एज हुआ तो इसे गुप्ता पीरियड को कहा जाता है, क्लासिक एज भी कहा जाता है उसी को, तो ये आप याद रखना है सभी को। आयरन एज की बात की जा रही है तो लोहा एज जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1300 BC में। तो ये कुछ डेटें हैं, आपको आसपास याद रखना चाहिए इन सभी को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरह, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति, जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो वह क्या वहन करती है। तो यहाँ पर वेव की बात की गई है, तरंग की बात की गई है। तो तरंग जो रहती है वो एक एनर्जी को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की गति करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तरंग जो वेव रहती है मोस्टली दो तरह की होती हैं, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग या नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं जिन्हें, और एक होती है यांत्रिक तरंग जिसे मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में। ओके, तो ये मोस्टली आपको याद रखना है। नॉन मैकेनिकल वेव हुआ जैसे चुंबकीय हुआ, प्रकाश हुआ, ऊष्मा हुआ, तो ये जो है वो नॉन मैकेनिकल होती है, यानी इन्हें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे प्रकाश हुआ, आपको पता है कि सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो कोई माध्यम तो है नहीं है, तो ये नॉन मैकेनिकल वेव होती है एक तरीके से। मैकेनिकल वेव वो होती है जिनका माध्यम की जरूरत होती है, जैसे साउंड हुआ, तो साउंड बिना निर्वात में ट्रेवल नहीं करता है, तो ये मोस्टली आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है उस पे आवेश नहीं होता है, और इसका इंट्रोड्यूस किया था मैक्सवेल ने, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है। तो हीरा आपको पता है कि सबसे कठोरतम है, और जो है कार्बन का अपर रूप है एक तरीके से, और कार्बन का अपर रूप, और दूसरा होता है ग्रेफाइड। ग्रेफाइड एक कार्बन का ही अपर रूप है, तो इसे याद रखना। इसका हम मोस्टली यूज करते हैं जो लुब्रिकेंट हुआ, यानी स्नेक के रूप में हम इसको यूज करते हैं। जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो निब रहती है उस वो भी ग्रेफाइड की बनी होती है, ग्रेफाइड का यूज करते हैं उसी का।
और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो रहता है, सिस्टम जो रहता है, वो हेक्सागोनल रहता है, तो ये पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, हेक्सागोनल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब होता जाता? तो देखिए डेली लाइफ में जो यूज करते हैं ना, उसी से आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप कोई ज़्यादा शराब पीता है तो उसके क्या खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा भाई थर्ड ऑप्शन। तो लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, जिसका वेट रहता है 1.5 से 2 kg के बीच, और जो कि वाइल जूस है उसको सिक्रेट करता है, और जो अमोनिया रहता है उसको ट्रांसफर करता है किसमें, यूरिया में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर बात करें तो जैसे फेफड़े हुआ, तो फेफड़े जो स्मोकिंग करते हैं तो उनके फेफड़ों में टायर जमा हो जाता है, तो ये आप याद रख सकते हो, स्मोकिंग की वजह से फेफड़े को नुकसान होता है। किडनी किडनी आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में दो होती हैं, ओके, जिनका वेट जो रहता है वो ये 140 ग्राम रहता है, याद रखना है, और जिसकी यूनिट जो पूछ ली जाती है कि किडनी की यूनिट इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन याद रखना, ओके। तो ये काफ़ी पूछ ले जाता है, और ये ब्लड जो रहता है उसको फिल्टर करने में जो है ये करती है, मदद करती है, और 1 मिनट में करीबन जो है ये नियरली 1 लीटर तक ब्लड जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। हार्ट आपको पता है दोनों लंग्स के बीच में रहता है ह्यूमन बॉडी में हार्ट, तो याद रखना। और हार्ट जो रहता है मनुष्य का, जो इसमें 4 चैम्बर रहते हैं, और जो अपर वाला पार्ट रहता है ना उसे यूरिकल बोलते हैं, और नीचे वाला जो रहता है वो वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी जो है, इनसे इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? तो जो प्लांट रहते हैं उसमें जो रोम से निकलते हैं, तो उनका काम क्या रहता है ये पूछा गया है। तो ये जो रहता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, जड़ों से जल व खनिज को अवशोषित करने में जो है ये मदद करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि जो पानी में जो पानी जो होता है वो जड़ों से, बात की जाए प्लांट के अन्य अन्य भागों में, को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो याद रखना जाइलम, ओके, जाइलम। अगर आपसे पूछ लिया है कि खाना कौन पहुंचाया, तो फ्लोएम, फ्लोएम। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, जा से जलीय और फा से फ्रूट, ऐसे करके भी याद रख सकते हो, फल फ्रूट वगैरह खाने वाने का सामान, फूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज तार जो है वो किस बना होता है उसमें, तो ये पूछा गया है, तो इसमें जो है वो निम्न गलनांक होता है, फ्यूज तार जो रहता है वो लो मैग्नेटिक पॉइंट रहता है और हाई रेजिस्टेंस रहता है, तो ये दोनों ही चीज़ याद रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। फ्यूज तार जो रहता है वो मोस्टली किसका बना होता है, जो टिन हुआ, लेड हुआ, टिन हुआ, लेड और जिंक का भी मोस्टली यूज करते हैं, और भी बहुत सारी धातुएं यूज की ली जाती हैं, तो मोस्टली टिन लेड पूछ ली जाती हैं आपको, तो याद रखना। और इसको जो है हम सीरीज में लगाते हैं, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि फ्यूज तार को हम सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल लगाते हैं, तो सीरीज श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार जो रहता है वो पारे का अयस्क यानी मरकरी का अयस्क होता है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और पारा आपको पता है कि बहुत सारे जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजरमेंट में काम आते हैं, और इनमें यूज किया जाता है, जैसे कि थर्मामीटर हुआ, बैरोमीटर हुआ, तो ये याद रखना है। और Hg जो है इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर होता है 80, ओके, इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। तो और पारा जो रहता है वो एकमात्र ऐसी धातु है जो कि तरल अवस्था में रहती है, तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस यानी अपोहन का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का जो है वो जब किडनी में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो इसमें हम जो है वो मरीजों जो होते हैं तो उसका उपयोग करते हैं डायलिसिस का, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जब रुधिर में यूरिया अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है तो कौन सा रोग का लक्षण होता है? तो यूरिया आपको पता है कि जो बात की जाए तो
लीवर में क्या होता है, अमोनिया जो है वो ट्रांसफ़र करता है यूरिया, लीवर के द्वारा अमोनिया को ट्रांसफ़र करता है यूरिया में, पर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है तो गठिया रोग हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट याद रखना, जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने पर जो है वो गठिया रोग हो जाता है, गांठ ऐसी पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हमारे सौर मंडल से संबंधित नहीं है। तो बाकी आप देखो, एस्ट्रॉयड हुआ तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक ने भी आंसर नहीं दिया, तो आप बताइए कि एस्ट्रॉयड बॉल जो है वो कौन से दो प्लानट के बीच में पाया जाता है, धूमकेतु, ग्रह, प्लानट। नेबुला जो है आपने नहीं सुना होगा, नेबुला जो है इसे निहारिका भी बोलते हैं, और ये अंतर तारकीय बादल होते हैं जो कि धूल गैसेस, हीलियम गैसेस वगैरह, हाइड्रोजन गैसेस वगैरह से जो है वो इसका निर्माण होता है, तो ये जो है वो सौर मंडल से संबंधित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मसालों से प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त होता है दरअसल, तो जड़ की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हल्दी जो रहती है वो जड़ होती है एक तरीके से, रूट होती है, तो टर्मरिक जो है वो जड़ से प्राप्त होती है, बाकी दालचीनी ये पूछ लिया था, दालचीनी जो है तो वो छाल से प्राप्त होती है, जो पेड़ रहता है जो आपने देखा होगा बगल से छाल जो निकलती है, खोपटे से निकलते हैं ना, तो वो उसी से प्राप्त होती है दालचीनी, आप मोस्टली जो है घर में यूज देखने को मिल जाता है मसालों में, और लौंग जो रहती है वो कली रहती है, तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर में तापमान को नियंत्रित करती है, तो भाई हाइपोथैलेमस जो रहती है वो मनुष्य के शरीर के तापमान नियंत्रित करती है, और ये जो है वो ब्रेन का हिस्सा होती है, और ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो उसी के पास जो है ये रहती है, तो याद रखना हाइपोथैलेमस जो कि मनुष्य के ताप को नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा यदि लिफ्ट, तो लिफ्ट की बात की जा रही है, तो आपको पता होगा कि MGH हम जो है वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर वेट की बात की जा रही हो तो मास तो हमारा कांस्टेंट रहेगा एक तरीके से, हमें फर्क क्या पड़ता है जी से हर्ट से, तो जी का मान आपको पता है कि जो पोल रहते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा होता है, तो जैसे ही आदमी ऊपर जाएगा ना तो उसका जो है वो वजन बढ़ता बढ़ेगा याद, ओके, और एकदम से आपको पता है कि लिफ्ट में अगर आपने कभी बैठा है तो नीचे आओगे ना तो आपको वजन कम महसूस होता है, और एकदम से आप सडनली छोड़ दोगे ना तो आपका वेट जो रहता है वो जीरो हो जाता है, तो क्योंकि जी का मान जीरो हो जाता है एक तरीके से, छोड़ दोगे एकदम से बिल्कुल, तो ये कुछ चीज़ें हैं लिफ्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, अधिक अधिक कब होगा, जब समान वेग से ऊपर जा रही हो, यानी समान सॉरी समान वेग से नहीं एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेशन त्वरण से, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हमारी चेतना खत्म हो जाती है यदि मस्तिष्क को कितने समय तक रक्त ना मिले, तो अगर 5 सेकंड के जो है वो रक्त नहीं मिला ना तो हमारी जो मस्तिष्क की जो चेतना है वो एकदम से फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो ये थोड़ा आपको सीधा सीधा याद रखना चाहिए इसको, ओके। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप इन माध्यम से जुड़ सकते हो मुझसे, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।